नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आई एम गुरुजी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जिसको आप जो है केवल अपने आई से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आपके स्मार्टफोन के जितने भी फंक्शन हैं उसको आप अपने आई से कंट्रोल कर सकते हैं। हमने अधिकतर देखा है कि कई लोग ऐसे चाहते हैं कि मुझे हाथ से टच करना मुड़ना पड़े स्क्रीन वगैरह को। तो इसमें इस ऐप के माध्यम से आप बिल्कुल अपने मोबाइल को आँखों के इशारे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं उन मित्रों से अनुरोध करना चाहूँगा जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया और अधिक वीडियो जो इस प्रकार की जानकारी आपको मैं दे सकूँ उसको पाने के लिए आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इस ऐप को आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर जाना पड़ेगा मित्रों, और सर्च बार में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ हमने लिखा है EVA फैशियल माउस या फैशियल माउस। और जैसे हम लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, तो उसको हम जैसे सर्च करते हैं तो आ जाता है इस प्रकार से। इसका लोगो जो है इस प्रकार से दिखाई देगा। और उसके पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर 500,000 लोगों ने डाउनलोड्स किए हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं। और इसकी रेटिंग भी 4.4 की रेटिंग है, जिसमें बढ़िया है। और इसकी जो है फीचर्स वगैरह के बारे में देख लीजिए, न्यू फीचर्स भी ऐड हैं और बाकी फीचर्स भी यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कि किस प्रकार से चला सकते हैं। ये बिल्कुल इसमें सेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी मित्रों, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए ओपन करते हैं इसको। जैसे हम ओपन करते हैं इसमें पूछा जा रहा है कि यह फेशियल माउस जो है किस प्रकार से एक्टिवेट हो सकता है। तो आपको पहले सबसे पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा, एसेसिबिलिटी में जाना पड़ेगा, और यह फेशियल माउस को आपको ऑफ है जो उसको ऑन करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। समझ नहीं आएगा तो बिल्कुल आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ऑन कर सकते हैं, उसके बाद इस प्रकार से आएगा, उसको आपको ओके करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं और फीचर्स को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ओके कीजिएगा। तो हम यहाँ ओके कर देते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है मित्रों कि क्या यह फेशियल माउस जो है पिक्चर्स और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या करके, तो आपको हमको अलाउ करना है इसमें। अब क्योंकि उसके लिए अलग से फीचर्स या एप्लीकेशंस जो है सिस्टम ऐप जो है कार्य करते हैं, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो सेटिंग में पुनः जाना पड़ेगा हमको, और इसमें कुछ ही सेकंड लगेंगे मित्रों, वेट करते हैं थोड़ा। अब यहाँ देखते हैं मित्रों क्या होता है। अब जैसे इसमें ओवर डिले सिस्टम का वो ऐप रहता है उसको हमको ऑफ करना पड़ता है, जिससे आँखों के माध्यम से हम जैसे वीडियो भी रिकॉर्ड करना चाहें तो वो एक्टिवेट हो जाएगा फिर। तो यहाँ जैसे सेटिंग्स में दिखाई नहीं देगा, तो आपको करना ये है मित्रों कि सेटिंग्स में जाकर आप जो है एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, फिर आपको उसके पश्चात एप्लीकेशन मैनेजर में जाना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन मैनेजर में जाने के पश्चात आपको यूर फेशियल माउस पे जाना पड़ेगा। इसके पश्चात यहाँ देखते हैं कि परमिशन यहाँ पर अलाउड नहीं है मित्रों। तो हमें यहाँ कैमरा फीचर्स भी अलाउ करना है तो हमको उसको ऑन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पूछा जा रहा है, फिर वही दिस परमिशन सेटिंग यू फर्स्ट हैव टर्न ऑफ द स्क्रीन ओवर रिले फ्रॉम सेटिंग ऐप। सही है मित्रों। तो यहाँ पर हम मोर में जाके ऑल परमिशन देखते हैं। ऑल परमिशन देखने के पश्चात टेक पिक्चर एंड वीडियो इसको हमको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर कंफर्मेशन आएगा, उसको हमको ओके करना है मित्रों। ओके करने के पश्चात हम चले जाते हैं बैक में, फिर यहाँ से हम सेटिंग को फिर ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों जब तक हम स्क्रीन रिकॉर्डर को एक्टिवेट करते हैं
तब तक जो ये यूएफ फेशियल माउस का जो कैमरा फंक्शन जो है एक्टिवेट नहीं होता, जैसे ये देख रहे हैं, तो ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा जब तक हम स्क्रीन रिकॉर्डर एक्टिवेट करें। तो क्योंकि मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर जो है एक्टिवेट किया हुआ हूँ, इस कारण से ये अलाउड नहीं हो रहा है। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर को जो है ऑफ करके इसको ऑन कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा मित्रों। अब मित्रों इस प्रकार से जैसे हम कैमरा को अलाउड करेंगे, उसके पश्चात इस प्रकार से आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो हमें इसको नेक्स्ट करना है। फिर पूछा जा रहा है कि वे इज़ अ माउस सिमुलेटर दैट मूव द पॉइंटर। जैसे हम अपनी आँखों से हम पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान जो है कर्सर को ले जाके इसको करा कर सकते हैं भाई। तो इसका अब हमें जो है नेक्स्ट करना पड़ेगा। फिर इन सबको देख लीजिए आप लोग, फिर सेटिंग वगैरह, फिर हमको नेक्स्ट करते रहना। फिर कीबोर्ड नॉट कॉन्फ़िगर, तो इसको हमको ओके कर देना है। कीबोर्ड का यूज़ तो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो जैसे हम फिर यहाँ पर टाइप करते हैं मान लो। अब जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करते हैं हमारे जो स्क्रीन के ऊपर, इसको हम कहीं भी सेट कर सकते हैं। आई को डिटेक्ट करने के लिए फेस यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा मित्रों। तो हम जैसे यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, अब इस प्रकार से हमको सेट करना है। जैसे मैं आई को ऐसे राउंड कर रहा हूँ, तो हम देख रहे हैं कि मित्रों की इसका कर्सर भी है उधर जा रहा है, जिधर देखेंगे उधर जाता है। तो इसको फिर हम नेक्स्ट कर लेंगे, और यहाँ पर सेटिंग जो है क्लियर हो रही है। फिर नेक्स्ट करते जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं देखते जाऊँगा, अब जैसे नेक्स्ट हम मान लो इसी के माध्यम से करेंगे, तो आपको प्रेस करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए आई को टू टाइम्स ओपन क्लोज ऐसे करना पड़ेगा, तभी सेलेक्ट होता है। जैसे यहाँ फिर देखते हैं, हाँ ये मतलब अभी टेस्ट कर रहे हैं मित्रों। तो इस प्रकार से ये सबको कर लेते हैं, उसके पश्चात हम इसको देखेंगे। फिनिश हो गया मित्रों ये, जैसे इस प्रकार से। अब हमें जैसे बैक जाना है, तो मैं बैक के बटन पर ऐसे ही क्लिक करूँगा। हाँ ये तो जैसे हमें खोलना है अभी, तो आई देखते हैं यहाँ, फिर क्लिक करेंगे, ये खुल गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस ऐप को कंट्रोल कर सकते हैं। ये अब मान लो मुझको खोलना है कुछ जैसे सेटिंग, तो इसको क्लिक करेंगे ये। तो इस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, और बहुत बढ़िया ऐप है। इसको बिल्कुल आप डाउनलोड करके यूज़ कीजिए, और अपने मित्रों को भी बताइए। और बिल्कुल यदि आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलता, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपनी इस ऐप का लिंक छोड़ दिया है, डाल दिया है, तो कृपया वहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।